जो आप सभी को बता दिया गया है कि हमारी सारी की सारी पर्चियां बाहर जा चुकी है, कोई भी शेष नहीं बची है इस बार, तो हमारा जो आजकल किड्रॉ आरंभ होगा उससे पहले सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण यति की, वीर बजरंग हनुमान की। तो सबसे पहले हमारा जो अंतिम नाम था 24 नंबर पर ब्लूटूथ स्पीकर, उसके लिए 3 पर्चियां निकाली जाएगी, तो कृपया मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी कम्मू बुआ को। जगत की बुआ है कम्मू बुआ, ये मंच पर आए। और एक पर्ची निकाले, जय जय राम। दूसरी पर्ची के लिए दिव्यांशु और गोपी दोनों यहाँ आए, एक एक पर्ची वो भी निकालेंगे। 24 नंबर का इनाम है ब्लूटूथ स्पीकर, जो हमारे पास 3 है, तो एक एक पर्ची, जो पर्ची है एक इनाम है 1937 1937 ब्लूटूथ स्पीकर निकला है। लक्ष्मण की, सीता माता की, 1937। और दूसरी पर्ची एक दिव्यांशु कपिल दिव्यांशु चंदेल उठाएंगे, सिंगल पर्ची निकाले। और दूसरी जो पर्ची है उसका नंबर है 4965 ब्लूटूथ स्पीकर 4965, दूसरा इनाम जो निकला है ब्लूटूथ स्पीकर का ही। जो कोई भी है कृपया अपनी अपनी पर्चियां देख ले, निकाल ले हाथों में, कहीं किसी का। और तीसरी पर्ची निकली है 1523 जय माता दी 1523, तीसरा जो ब्लूटूथ स्पीकर का ही इनाम है। 3 इनाम थे हमारे ब्लूटूथ स्पीकर, तो कृपया सभी ध्यान रखे, अपनी अपनी पर्ची निकाल लें। और सभी से मैं एक अनुरोध करूंगा कि आज अगर किसी का इनाम निकलता है तो 15 दिनों के अंदर अंदर पर्ची जमा करवानी पड़ेगी, अन्यथा कोई इनाम नहीं मिलेगा, तो इसका सभी ध्यान रखें। और अगला इनाम है हमारा 23 नंबर का इनाम, पावर बैंक, पावर बैंक की भी 2 पर्चियां निकलेगी, तो उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मणि और आदि, मंच पर आए और एक एक पर्ची निकाले, अपनी पर्ची साइड में रखें। कृपया कोई भी अपनी पर्ची लेकर साथ में ना आए, और जनता के सामने एक एक पर्ची निकाले। 20 से निकाला करो। एक पर्ची जो पावर बैंक के लिए निकली है 2262 ध्यान रखे 2262। और दूसरी पर्ची का इनाम है जिसपे निकला है 120, 2 ही पर्ची है इसको छोड़ दें, 120 दूसरा इनाम 120 नंबर पर पर्ची पर है, JWWWJ जिस पर नाम लिखा है ध्यान रखें। और 22 नंबर का इनाम है बालीवाल, उसके लिए भी 2 ही पर्ची निकाली जाएगी, तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे चाचू जी है पीछे बलदेव ठाकुर जी, कृपया मंच पर आए और 2 पर्ची निकाले 22 नंबर इनाम के लिए बॉलीवॉल के लिए। 2 बंदे आ जाए चाचू जी, एक श्री बलदेव ठाकुर जी और उनके साथ मंच पर आ जाए हमारे वरुण भाई जी हैं पीछे, वरुण कपिल जी, कृपया आप भी मंच पर आए और एक पर्ची निकाले, एक पर्ची श्री बलदेव ठाकुर जी निकालेंगे। जो 22 नंबर इनाम है बॉलीवॉल है इसकी पर्ची निकालेंगे श्री बलदेव ठाकुर जी और श्री वरुण कपिल जी, कृपया मंच पर आए। और मेरा क्लब के सदस्यों से अनुरोध है, एक मिनट कि इसको पहले पलटा लगा दिया जाए ताकि किसी को शंका ना रहे। कृषि नवयुग मंडल धुंधन किसी भी तरह का आरोप नहीं सह सकता और हेरा फेरी कर नहीं सकता, ना होने दे सकता। आप भी आ जाओ।
और सभी जयकारा लगाएंगे पहले वाली बॉल की पर्ची के लिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की, जो पर्ची निकली है वाली बॉल की उसका एक नंबर है 1380 1380 पर वाली बॉल जो इनाम है एक निकला है 1380 और दूसरा वाली बॉल जो निकला है पर्ची नंबर है 3092 3092। ध्यान रखे नंबर फिर रिपीट किया जाता है 3092 जो बाली बॉल के लिए पर्ची निकाली थी। और अगली पर्ची है हमारी 21 नंबर इनाम है जो टॉर्च है, टॉर्च भी हमारे पास दो है तो दो ही पर्ची निकाली जाएगी। तो मेरा जनता में से अनुरोध है कि हमारे परशुराम का रोल करने वाले डिंपल भाई है, कृपया एक पर्ची आप उठाएंगे और उनके साथ हमारे मंदिर के बड़े एक सदस्य है श्री राजपाल यादव जी, राजपाल ठाकुर जी कृपया आप भी मंच पर आए और टॉर्च के लिए एक पर्ची आप भी निकालें। माफी चाहेंगे, यादव नहीं ठाकुर जी है, कृपया सभी ध्यान रखें। हमारे के क्लब के सदस्य हंस रहे हैं कि यादव जी बना दिए गए। टॉर्च के लिए एक पर्ची उठाएंगे, हमारे परशुराम का रोल अदा करते हैं भाई डिंपल भाई, एक पर्ची निकाले और ये एक परशुराम का भी डायलॉग आपके सामने समक्ष रखेंगे एक। और पर्ची नंबर है 1428 1428 1428। और मेरा भाई से अनुरोध है कि एक कोई भी छोटा सा डायलॉग हो जाए। महायमराज का फंदा मेरे परसे की धारा है, इसी परसे से मैंने शास्त्र भाव को पछाड़ा है। बोल श्री रामचंद्र की। बहुत ही शानदार भाई का रोल आपने देखा ही होगा, बहुत गजब का रोल है। दूसरी पर्ची के लिए ये छोटा भाई उठाएगा, एक पर्ची उठाए, कोई भी एक पर्ची जो भी दिल करता है, जहाँ से भी दिल करे खोल के हमारे पास पकड़ा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर्ची नंबर है 2110210। हाँ जी, टॉर्च के लिए जो पर्ची निकाली गई 2110। और उसके बाद सभी तालियों से सभी का स्वागत करते रहे और हमारे ड्रॉ का लुप्त उठाए। और उसके बाद 20 नंबर इनाम पर है इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल भी हमारे पास दो ही है। उसके बाद उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जो सुग्रीव का रोल अदा करते हैं बट्टू भाई, उनकी मदर को, कि कृपया मंच पर आए और एक पर्ची उठाएं इलेक्ट्रिक कैटल के लिए, ये भी हमारे पास दो ही इनाम है। और उसके बाद दूसरे इनाम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक सोनू भाई है, फोरमैन साहब है हमारे मिनी शर्मा जी की दुकान में, उनकी पत्नी पीछे बैठे हैं, कृपया आप भी मंच पर आए और इलेक्ट्रिक कैटल के लिए एक पर्ची उठाएं। सोनू भाई जो फोरमैन साहब है मिनी शर्मा जी की दुकान पर, कृपया उनकी पत्नी मंच पर आए या उनकी बेटी आ जाए वैष्णवी, एक पर्ची वो भी उठाएगी। एक पर्ची हमारे बट्टू भाई की मदर निकालेंगे इलेक्ट्रिक कैटल के लिए। और सभी तालियों से स्वागत करते रहे, तालियों की कंजूसी ना करें, जो तालियों की कमी रखेगा शायद उसका इनाम ना निकले, ये बजा भी हो सकती है इलेक्ट्रिक कैटल के लिए। पर्ची नंबर 11111111 है, 11 नंबर इलेक्ट्रिक कैटल के लिए एक नाम है दूसरी पर्ची इलेक्ट्रिक कैटल की 1061068 इलेक्ट्रिक कैटल के लिए पर्ची दोनों निकल चुकी है। और क्लब के सदस्य पलटा जरूर लगाते रहें, कोई शंका नहीं रहे। और उसके बाद 19 नंबर का इनाम है वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर भी हमारे पास दो ही है,
तो उसके लिए भी दो ही पर्ची उठानी पड़ेगी। तो मैं उसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री जयप्रकाश गोहर से, कृपया मंच पर आए। माननीय श्री जयप्रकाश गोहर कृपया मंच पर आकर एक वैक्यूम क्लीनर की पर्ची उठाए। अगर कहीं उनको हमारी आवाज आ रही है तो कृपया, लगता है कि चले गए हैं। तो मैं हमारे आंटी जी है पीछे, श्रीमती मीरा आंटी जी कृपया मंच पर आए और वैक्यूम क्लीनर के लिए एक पर्ची उठाएं। और उनके साथ है हमारे मदन भाई है गोहर से, उनकी मदर है, कृपया उन्हें भी साथ में भेजिए एक पर्ची के लिए। वैक्यूम क्लीनर की पर्ची उठाएंगे, दो पर्चियां हैं। एक मीरा आंटी, एक हमारे गोहर से मदन भाई है उनकी मदर, कृपया मंच पर आए और एक एक पर्ची उठाए वैक्यूम क्लीनर की। देखते हैं आपके हाथों से किनका भाग्य निकलता है। सबका भाग्य दूसरे के हाथ पर है। सभी तालियों से स्वागत करें, तालियों की कजूसी ना रखें। जो कोई तालियों में कमी रखे शायद उसका ड्रॉ ना निकले। और वैक्यूम क्लीनर के लिए पर्ची निकली है 1951 1951। वैक्यूम क्लीनर की पर्ची एक है 1951। और उसके बाद दूसरी पर्ची निकालेंगे और पर्ची नंबर है 1853 1853। वैक्यूम क्लीनर की दोनों पर्चियां निकल चुकी है। तो पलटा लगता रहे और उसके बाद 18 नंबर पे है हमारा इनाम प्रेस, प्रेस की भी दो पर्ची निकलेगी। तो मैं जानवी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि जानवी मंच पर आए, एक पर्ची वो उठाए और साथ में दीप्ति, दूसरी दीप्ति भी मंच पर आए और अपनी पर्चियां रख के आए। ऐसा ना हो कहीं धोखा हो जाए। ये हमारे क्लब की सदस्य भी है दोनों ही। ये प्रेस की पर्ची उठाएगी, एक एक पर्ची उठाए, सिंगल पर्ची, और जय श्री राम करके चले जाएं। एक पर्ची है 2331 2331 2331 2331 प्रेस के लिए। और दूसरी पर्ची है 1150 1150। जो कोई भी है कृपया अपनी अपनी पर्ची निकाल लें, देख लें। उसके बाद 17 नंबर का इनाम जो है गैस स्टोव, उसकी भी दो पर्चियां हैं। तो उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ये गुड़िया आ ही चुकी है, एक पर्ची उठाएं और एक कनिष्क है यहाँ पे, एक पर्ची कनिष्क उठा लेगा। बीच में से उठाइए, ये बहुत ही बूढ़ी आदमी है। एक एक पर्ची, एक पर्ची है 4041 4041 4041। गेस्ट ऑफ, गेस्ट ऑफ का है। एक पर्ची मेरे पास दे, मेरे पास भागना नहीं। और दूसरी पर्ची है 4172 4172। ध्यान रखिए पर्ची नंबर 4172। सतारह नंबर इनाम भी निकल चुका है। उसके बाद 16 नंबर इनाम है हॉट कैश, ये भी, ये तो सिंगल है, एक ही पर्ची निकाली जाएगी।
इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे श्री मनोज ठाकुर जी, जो इस टाइम पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कृपया मंच पर आएं और एक पर्ची निकालें। श्री मनोज ठाकुर जी, और सभी तालियों से हमारी इन अतिथियों का स्वागत करते रहें, कोई कंजूसी ना रखे। 16 नंबर इनाम के लिए पर्ची निकालेंगे, एक ही पर्ची है, और तालियों में कोई कमी ना रखे, ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए, बाद में पछताना पड़े। तालियों का सहयोग रहना चाहिए। उसके बाद जो इनाम होगा 15 नंबर टी कंटेनर, वो भी एक ही पर्ची निकालेंगे। हमारे चाचू साहब के पीछे जो छिप रहे हैं, छोटू चाचू, कृपया वो भी मंच पर आए। 15 नंबर की पर्ची आप निकालेंगे, एक निकाले पर्ची। जो पर्ची निकली है, पर्ची नंबर है 14201420। पर्ची नंबर 1420 16 नंबर की पर्ची थी, हॉट केस। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री मनोज ठाकुर जी का। उसके बाद 15 नंबर इनाम है टी कंटेनर, उसके लिए एक पर्ची निकालेंगे। छोटू चाचू, तो सभी उससे पहले एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्याम रामचंद्र की। एक पर्ची निकाले, ऐसा ना करें, एक पर्ची। पर्ची नंबर है 3261-3261 ध्रुविका शर्मा गोहर। जी हाँ, 3261 ध्रुविका शर्मा गोहर, जो टी कंटेनर की पर्ची थी वो भी निकल चुकी है। उसके बाद है हमारा 14 नंबर का इनाम फ्राटा। फ्राटा एक है, इसके लिए एक पर्ची उठाएंगे। हमारे एक छोटे भाई है धीरज कुमार गोहर से, उनकी मदर आए, कृपया वो मंच पर आकर पर्ची उठाए फ्राटा के लिए। 14 नंबर इनाम श्रीमती सुलोचना कपिल जी, कृपया आप मंच पर आए। और हमारे किसी भी भाई बहन का भाग्य खोलें। 14 नंबर का इनाम फराटा। एक चढ़ाई दो चली भाई, फराटे के लिए पर्ची निकलेगी एक। सभी तालियों से स्वागत करते रहे सभी का। फराटा के लिए एक पर्ची निकाले। पर्ची नंबर है 1247 मोहम्मद अंसारी के नाम पर ये इनाम निकला है फराटा। ये भाई भी कोई बड़ी दूर से आया है, फराटे की बड़ी जरूरत थी, फराटा निकल गया। प्रभु श्री राम आशीर्वाद देते रहे। और इसी बात पर सभी जयकारा लगाएंगे, बोल श्याम रामचंद्र की। 14 नंबर का इनाम भी निकल चुका है। उसके बाद 13 नंबर का इनाम है हमारा इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स, उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा विकास कपिल। जल्द से जल्द मंच पर आए और 13 नंबर की पर्ची निकालें। उसके बाद जयकारा लगवाकर अपने स्थान पर बैठ जाए। और लगता है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है थोड़ा धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। हमारे सदस्यों को लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत जल्दी संपन्न हो जाए, हमारे जनता को भूख भी लग सकती है। एक पर्ची उठाए विकास कपिल। और जयकारा लगाएंगे पहले बॉबी, उसके बाद पर्ची नंबर बताएंगे आपको। बोलिए श्रीमती रामचंद्र की। पर्ची नंबर है 3558।
जी हाँ 35-58 पर्ची, एक मिनट, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स 35-58-3558। इन्होंने इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स के लिए पर्ची निकाली, 13 नंबर का इनाम था हमारा। इसके बाद हमारे 12 इनाम बचे हैं, बहुत ही अच्छे इनाम है। अभी हमारे इनाम बचे हैं इंडक्शन कुकर 10 लीटर का, सीलिंग फैन, फिर वाटर पंप, गैस चूल्हा जो चूल्हा भट्टी टाइप का होता है, फिर मिक्सी है, मधानी है, हीट पिलर है, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, और 2 नंबर का इनाम है हमारा फ्रिज है, और लास्ट में अंतिम में एलईडी 45 इंच की है। इंच भी याद रखिए साथ में, ऐसा ना सोचे कि कहीं एलईडी है कोई छोटी हो क्या हो। और उसके बाद 12 नंबर जो इनाम है हमारा इंडक्शन, उसके लिए एक पर्ची निकालेंगे, तो उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जो श्री गितेश कपिल जी है दादू, उनकी मदर को, कि कृपया मंच पर आए और 12 नंबर इनाम की जो पर्ची है उसे निकालें इंडक्शन के लिए, किसी का भाग्य खोलें। बोलिए सेनापति रामचंद्र की। जनता ने जयकारे की आवाज कुछ कम आ रही है, सभी एक बार मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सेनापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, वीर बजरंगी हनुमान की। आज का लक्की ड्रॉ आप सभी के समक्ष चल रहा है। बारह नंबर की जो पर्ची है इंडक्शन की, उसका नंबर है पर्ची नंबर 31-22 इंडक्शन की पर्ची थी, वो इनाम भी निकल गया। जहां तक भी ग्रामवासियों को यहां की आवाज सुनाई दे रही है, सभी जल्दी से जल्दी भंडारे के लिए बाबा बलदेवपुरी जी के प्रांगण में, मठ ग्राउंड में पहुंच जाए। भंडारे की पूरी व्यवस्था की गई है और कोई भी दर्शक बिना भंडारे का प्रसाद लिए घर ना जाए, भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। और जहां तक भी आवाज सुनाई दे रही है, भंडारे का प्रसाद प्राप्त करने के लिए मठ ग्राउंड में पहुंच जाए और आज शाम को रामलीला में प्रभु राम जी का राजतिलक किया जाएगा। राजतिलक में जो जो भी ग्रामवासी आना चाहते हैं, सभी ठीक 8:30 रामलीला मैदान में पहुंचे और राजतिलक का सौभाग्य प्राप्त करें। और उसके बाद हमारा जो 11 नंबर का इनाम है कुकर 10 लीटर, उसकी पर्ची निकालने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक क्लब के सदस्य है शिवम सोनी जी, उनकी पत्नी धर्म पत्नी को कृपया मंच पर आए और एक 10 लीटर कुकर की पर्ची निकालें। शिवम सोनी की धर्मपत्नी जी कृपया मंच पर आए और एक कुकर 10 लीटर की पर्ची उठाए। श्रीमती सोनम सोनी जी कृपया मंच पर आए और कुकर के लिए एक पर्ची निकालें। 11 नंबर का हमारा इनाम है और सभी तालियों से स्वागत करते रहे सभी का, तालियों में कंजूसी ना रखें।
भाभी जी हमारी ग्यारहपुर के इनाम के लिए पर्ची निकालेगी। कुकर 10 लीटर का है, जो एक पर्ची निकाले और उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद जो इनाम निकला है, पर्ची नंबर है गोपाल ठाकुर ट्यूरू, गोपाल ठाकुर ट्यूरू जी ट्यूरू से है। पर्ची नंबर है 33 75 33 75 3375। 33 75 पर्ची नंबर जो कुकर 10 लीटर का निकला है गोपाल ठाकुर ट्यूरू से। और मेरा क्लब के सदस्यों से भी अनुरोध है कि वो पलटा लगाते रहे, पलटे पे पलटा चलता रहे। हमारा यह कार्यक्रम फेसबुक के कृषि नवयुग मंडल के पेज पर लाइव प्रसारण आप कभी भी देख सकते हैं। यदि आपको नन्हे मुन्ने कलाकारों की बाल लीला देखने का मन करे तो फेसबुक में कृषि नवयुग मंडल का पेज खोलकर आप कोई भी दृश्य कभी भी देख सकते हैं। बोलिए सियापति राम चंद्र की। अगला इनाम सीलिंग फैन 10 नंबर का इनाम है सीलिंग फैन। मैं उसके लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती शकुंतला देवी को उर्फ मामी, जिन्हें सभी मामी के नाम से जानते हैं। ये सीलिंग फैन के लिए एक पर्ची निकालेंगे और किसी का भाग्य खोलेंगे। श्रीमती शकुंतला देवी जी, बाकी सभी जनता तालियों से स्वागत करते रहे। और उसके बाद और जो सीलिंग फैन की पर्ची है, पर्ची नंबर 168 168, नाम है आशु। पर्ची नंबर 168 याद रखिए। ये पर्ची हमारी सीलिंग फैन के लिए थी, जो कि हमारा 10 नंबर का इनाम था। अभी हमारे 9 इनाम सेफ है, समय लगेगा, जरूर लगेगा, ताकि सभी इसके बाद भंडारा करके ही घर जाए, ऐसा ना हो कोई जाकर घर में बनाए, कोई खाटी जाए खाने, तो हमें समय लगाना पड़ेगा ताकि सभी भंडारे का आनंद ले। और 9 नंबर का जो इनाम है वाटर पंप, उसके लिए पर्ची निकालेंगे। हमारे क्लब के ही सदस्य हैं, एक हमारे भाई मुकेश कपिल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा कपिल जी, कृपया मंच पर आए और वाटर पंप के लिए एक पर्ची उठाए। धर्मपत्नी जी, धर्मपत्नी होता है। श्रीमती मनीषा कपिल जी, कृपया मंच पर आए और वाटर पंप के लिए एक पर्ची उठाए। किसी का भाग्य खोले। ये जितना भी लक्की ड्रॉ किया जा रहा है, ये कोई इनाम नहीं, ये सिर्फ कृषि नवयुग मंडल की यादें हैं जो आप सभी के घर तक पहुंचेगी। तो इन्हें प्रभु राम जी के दरबार का सम्मान समझकर अपने घर में रखें, किसी भी वस्तु का कोई दुरुपयोग ना करें, क्योंकि क्लब के सभी सदस्यों ने बड़ी ही शौक के साथ जनता तक यह पुरस्कार वितरित करने का प्रण लिया होता है। और जो हमारा
इनाम था 9 नंबर का वाटर पंप, उसकी जो पर्ची नंबर है 255 255 255 पर्ची नंबर 255। ध्यान रखे, ये हमारी 9 नंबर के इनाम की पर्ची थी वाटर पंप के लिए। और उसके बाद हमारा 8वां इनाम रहा है गैस चूल्हा भट्टी। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रतनलाल जी ट्यूरू से, कृपया मंच पर आए और हमारे 8 नंबर इनाम गैस चूल्हा की पर्ची निकालें। और सभी दर्शक क्लब के सदस्य तालियों से अभिनंदन करते रहें, तालियों की कोई कमी ना रहे। श्री रतन सिंह ठाकुर जी ट्यूरू से, ये भी हमारे एक 8 नंबर के नाम के लिए पर्ची निकालेंगे गैस चूल्हा। गैस चूल्हे के लिए एक पर्ची निकालें, जो पर्ची नंबर है 3344-3344 ईशा ठाकुर ट्यूरू, ईशा ठाकुर ट्यूरू 3344। ये हमारी गैस चूल्हा की पर्ची थी 3344। और इसके बाद हमारे अभी 7 इनाम शेष हैं। मेरा क्लब के सदस्य से अनुरोध है कि कृपया एक आधा सदस्य हमारे मुख्य अतिथि जी को घर छोड़ के आए, यहाँ से गाड़ी ले जाए। बड़े बड़े ब्लॉक है। उसके बाद 7 नंबर इनाम है, उसके लिए एक पर्ची निकालनी होगी। 7 नंबर इनाम मिक्सी है, उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक बिकू भाई है, उनकी लड़की छोटी सी नन्ही सी गुड़िया, ये कृपया मंच पर आए, अपनी पर्चियां छोड़ कर ही आए और चप्पल खोल के मंच पर आए और एक मिक्सी के लिए पर्ची उठाए, सिर्फ एक पर्ची उठाए। और पर्ची नंबर है 682 682, पर्ची नंबर 682 जिन्हें मिक्सी का इनाम निकला है। प्रभु श्री राम इन पर आशीर्वाद बनाए रखें। और मेरा ये पीछे सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया रेलगाड़ी यहां ना चलाएं, इस रेलगाड़ी के हॉर्न मैदान के बाहर बजाएं ताकि हमारा कार्यक्रम चलता रहे। मेरा नेपाली भाइयों से अनुरोध है, छोटे छोटे जो जनकपुरी से आए हैं माता सीता के साथ, कृपया अपने हॉर्न बंद करें। मेरा क्लब के सदस्यों से भी अनुरोध है, सागर दिवेश वगैरह, कृपया इन्हें इनके हॉर्न बंद करवाए, ये नॉन स्टॉप रेलगाड़ी लेके आ रहे हैं। और मेरा 6 नंबर जो इनाम है हमारा मधानी, उसके लिए जो पर्ची उठाई गई हमारे क्लब के सदस्य हैं, एक मुकेश मिश्रा जी वो मंच पर ही बैठे हैं, वो मंच पर खड़े हो जाएं।
और कृपया एक पर्ची हमारी मधानी के लिए निकालें और एक जयकारा भी लगाएंगे भाई। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई मुकेश मिश्रा जी का। और जो मधानी के लिए पर्ची निकली है, पर्ची नंबर है 2512 2512। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, 2512 मधानी के लिए पर्ची थी। और मेरा क्लब के सदस्यों से अनुरोध है, कृपया पलटी लगाते रहे। और हमारे भाई राजेश जी है, वो भी कृपया मंच के पास आए और इनके साथ पर्चियों को पलटा लगाए। श्री राजेश कपिल जी, हमारे भाई राजेश, इन्होंने सिर्फ अपना हाथ लगाया, ये भी अपना एक डायलॉग बोलेंगे चाहे जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत ही शानदार, इन्होंने हमारी जनता का जोश बढ़ा दिया, क्लब के सदस्यों का भी। और उसके बाद 5 नंबर इनाम है पिलर के लिए, हिट पिलर। उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे हरीश गौतम जी, जो वाहन पर बैठे हैं, कृपया बाहर आए और मंच पर आकर एक 5 नंबर इनाम हिट पिलर के लिए पर्ची निकालें। कृपया एक मिनट आ जाए, आप 4 नंबर की पर्ची निकालेंगे। अभी मैं अपने दादाजी से ही पर्ची उठा लेता हूँ, एक नंबर हिट पिलर के लिए एक पर्ची उठाएंगे 5 नंबर की। एक पर्ची उठा लीजिए, बाकी हरीश भाई भी आ जाए। जो 5 नंबर का इनाम है हिट पिलर, उसकी पर्ची नंबर है, तभी उससे पहले जयकारा लगाएंगे। वो श्री रामचंद्र की, पर्ची नंबर है 4694 4694, पर्ची नंबर। कृपया मेरा भाई से अनुरोध है कि कृपया बस, बाकी भाई निकालेंगे हमारे 4 नंबर इनाम के लिए पर्ची। माइक्रोवेव एक पर्ची उठाएंगे, कोई भी एक पर्ची उठा लीजिए, आप ही खोल लीजिए। और पर्ची नंबर है 1597 1597। पर्ची नंबर 1597। और मेरा क्लब के सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया पर्चियों को डाल के द्वारा उतारे। अभी हमारे 3 इनाम शेष है, आपके सामने ही हम तीनों बार पर्चियों को ट्रंक में भरेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। जी हाँ, घड़ियों का इंतजार खत्म होने वाला है। हमारे जो 3 इनाम है, बहुत ही गजब के इनाम है। 3 नंबर पर वॉशिंग मशीन, 2 नंबर पर फ्रिज और 1 नंबर पर LED 42 इंच। जी हाँ, और इसी के साथ हमारे क्लब के सदस्य आपके सामने पर्चियों को लुटाते हुए। और मैं इसके लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री रतिराम गौतम जी, कृपया मंच पर आए और 3 नंबर के लिए पर्ची निकाले।
और क्लब के सदस्य कृपया इन दोनों कलाकारों को थोड़ा साइड में करें, इन दोनों को झोले में भर दिया जाए। तीन नंबर की पर्ची निकालेंगे हमारे मुख्य अतिथि साहब, वॉशिंग मशीन के लिए एक पर्ची निकाले, कृपया आकाश जी हाथ में लीजिए। और पर्ची नंबर है आपका 49404940, और सभी तालियों पर अपना हाथ रखे, ताली बजाते रहे। तीन नंबर इनाम भी निकल गया। फोर नाइन फोर जीरो पर्ची नंबर था वॉशिंग मशीन का, जो हमारे तीसरे नंबर के नाम थे। और इसके बाद हमारे दो इनाम शेष है, तो मेरा क्लब के सदस्यों से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण कार्य करें, कोई अफरा तफरी में कार्य ना करें, किसी को कोई शंका ना रहे। और मेरा सभी से अनुरोध है कि इसके बाद लॉटरी के बाद हमारे क्लब के सदस्यों की झांकी भी होगी, छोटी सी झलक जो आपके सामने रखेंगे हम। और जो दो नंबर का इनाम है उसके लिए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि साहब जी, मनोनीत श्री सोवाराम शर्मा जी, कृपया मंच पर आए और दो नंबर की पर्ची निकालें, जो फ्रिज की पर्ची है दो नंबर की, उसे निकालें। सभी उससे पहले जयकारा लगा लेंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की, सीता माता की, लक्ष्मण यति की। और पर्ची नंबर है दो नंबर जो इनाम है फ्रिज, उसकी पर्ची नंबर है 18838 1838 पर्ची नंबर, जिसमें लिखा है जय श्री राम झुंदन, जय श्री राम 18 38 जय श्री राम धुंदन लिखा है इस पर। मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी थोड़ा जोश रखें। हमारा एक नंबर जो इनाम है LED 45 इंच की, उसकी जो पर्ची है उससे पहले हम और एक नंबर जो इनाम है उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई श्री मुकेश कपिल जी को, कि कृपया मंच पर आए मुकेश कपिल जी और दो शब्दों के साथ पर्ची उठाए और हमारे क्लब के सदस्यों के लिए कुछ भी संबोधित करें। और आपके सामने जो एक नंबर की पर्ची है वो हमारे मुकेश भाई उठाएंगे और साथ में माइक लेकर संबोधित भी करेंगे। चौदहवें वर्ष की लीला संपूर्ण, और आज का सबसे बड़ा अंतरिम जो पारितोषिक है उसकी पर्ची का आदेश प्रभु श्री राम जी ने इस कार्य के लिए मुझे मनोनीत किया है। अब देखते हैं किसकी किस्मत है, किसकी किस्मत की टिकट एक मेरे हाथों से उठती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण यति की, सीता माता की, वीर बजरंगी हनुमान की। जय श्री राम। पर्ची नंबर है 922 922।
ये शिमला का एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है, नाम तो इसमें क्लियर नहीं पता लग रहा है। देवीना बिजलवान है, चंबा से है ये, चंबा गया है इस बार प्राइस भोलेनाथ की नगरी में, क्योंकि ये हमारी गलतफहमी होती है कि हम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, करता एक राम है और परिणाम भी एक राम है, और जिसकी भक्ति श्रद्धा सच्ची होती है उसको प्राप्ति होती है, और बाकी तो ये प्रभु राम का मार्ग है, इसमें ऐसे ही हार जीत चलती रहती है, पारितोषिक वितरित किए जाते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन, आपने अपनी गर्मामयी उपस्थिति से इस धुंधलेश्वर के मठ मैदान को सराबोर किया, और जिन जिन के भी टिकट यहाँ से अनाउंस हुए हैं अपना अपना टिकट दिखाकर अपना अपना पारितोषिक ले जा सकता है, और भंडारा जरूर आप सभी लोग खाकर भी जाएं और लेकर भी जाएं, क्योंकि भंडारे की बहुत बड़ी व्यवस्था की गई थी, पर यहाँ आज संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है और भी आप सभी लोग भंडारा जरूर अपने घर को भी लेके जाएं, यहाँ पर भी खाएं घर को भी लेके जाएं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मणी अपी की, सीता माता की, वीर बजरंगी हनुमान की। बढ़िया मैडम चलो आप छाड़ दे आए तू भी जिसने जिसके नसीब में उसी को मिलेगा। तेई बानू सुनील ले दे रखी, ती बानू है सुनील गई क्या है, है? पित पूरी आया भैया मकल मिलना कुछ।